This concludes the exchange ceremony. Now I request the spokesperson of Ministry of External Affairs to conduct the remainder of the proceedings. Namaskar and good afternoon. Your Excellency Mr. Olaf Scholz, Chancellor of the Federal Republic of Germany, Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, Honorable Ministers, members of both delegations and friends from the media. We will now have the press statements. May I request Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, to give his remarks to the media. Your Excellency, Chancellor Scholz, dono deshon ke delegates, media ke saathiyon, namaskar. Guten Tag. सबसे पहले मैं चांसलर सोर्ज और उनके डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि पिछले दो वर्षों में हमें तीसरी बार भारत में आपका स्वागत करने का अवसर मिला है। भारत और जर्मनी की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की व्यापकता का अनुमान आप पिछले दो तीन दिन की गतिविधियों से लगा सकते हैं। आज सुबह हमें जर्मनी के एशिया पैसिफिक बिजनेस जगत की कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने का अवसर मिला। मेरे तीसरे कार्यकाल की पहली आईजीसी मीटिंग अभी कुछ देर पहले संपन्न हुई है। अभी हम सीईओ फोरम की बैठक से आ रहे हैं। इसी समय जर्मन नौसेना की शिप गोवा में पोर्ट कॉल कर रही है और खेल जगत भी पीछे नहीं है। हमारी हॉकी टीमों के बीच फ्रेंडली मैच भी खेले जा रहे हैं। साथियों, चांसलर सोर्ट के नेतृत्व में हमारी भागीदारी को एक नया मोमेंटम और डायरेक्शन मिला है। जर्मनी की फोकस ऑन इंडिया स्ट्रेटेजी के लिए मैं चांसलर सोर्ज का अभिनंदन करता हूं। इसमें विश्व के दो बड़े लोकतंत्रों के बीच पार्टनरशिप को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मॉडर्नाइज और एलिवेट करने का ब्लूप्रिंट है। आज हमारे इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी रोडमैप लॉन्च किया गया है। क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, स्किल डेवलपमेंट और इनोवेशन में होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच पर भी सहमति बनी है। इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बल मिलेगा और सिक्योर, ट्रस्टेड और रेजिलिएंट ग्लोबल सप्लाई और वैल्यू चेन्स का निर्माण करने में भी मदद मिलेगी। साथियों, रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन के एक्सचेंज पर बनी सहमति इस दिशा में एक नया कदम है। आज संपन्न की गई म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी से आतंकवाद और अलगाववादी तत्वों से निपटने में हमारे साझा प्रयास सशक्त होंगे। ग्रीन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ के साझा कमिटमेंट पर दोनों देश निरंतर कार्यरत है। आज हमारी ग्रीन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप को आगे बढ़ाते हुए हमने ग्रीन अर्बन मोबिलिटी पार्टनरशिप के दूसरे चरण पर सहमति बनाई है और ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप भी लॉन्च किया है। साथियों, यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम दोनों के लिए चिंता के विषय हैं। भारत का हमेशा मत रहा है कि युद्ध से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता और शांति की बहाली के लिए भारत हर संभव योगदान देने के लिए तैयार है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और रूल ऑफ लॉ सुनिश्चित करने पर हम दोनों एकमत हैं। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि
कि 20वीं सदी में बनाए गए ग्लोबल फोरम 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने में सक्षम नहीं है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सहित अन्य मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। भारत और जर्मनी इस दिशा में सक्रिय रूप से सहयोग करते रहेंगे। साथियों, पीपल टू पीपल कनेक्ट हमारे संबंधों का अहम स्तंभ है। आज हमने स्किलिंग और वोकेशनल एजुकेशन में मिलकर काम करने का निर्णय लिया है। आईआईटी चेन्नई और ड्रेसडेन विश्वविद्यालय में भी समझौता संपन्न हुआ है, जिससे हमारे स्टूडेंट्स ड्यूअल डिग्री का लाभ उठा पाएंगे। भारत की युवा शक्ति जर्मनी की प्रगति और समृद्धि में योगदान दे रही है। हम जर्मनी द्वारा भारत के लिए जारी की गई स्किल लेबर स्ट्रेटेजी का स्वागत करते हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे युवा टैलेंट पूल को जर्मनी के विकास में योगदान देने के बेहतर अवसर मिलेंगे। भारतीय टैलेंट की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी में इस विश्वास के लिए मैं चांसलर शोल्ज का अभिनंदन करता हूं। एक्सलेंसी, आपकी भारत यात्रा से हमारी पार्टनरशिप को नई गति, ऊर्जा और उत्साह मिला है। मैं कह सकता हूं कि हमारी पार्टनरशिप में क्लैरिटी है और इसका भविष्य उज्जवल है। जर्मन भाषा में कहूं तो आलेस क्लार, आलेस गुट। बहुत बहुत धन्यवाद। दाके शोन।